महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बीती रात कलेक्टर अवधेश शर्मा और पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर अमित शुक्ला, कोतवाली प्रभारी आनंद राज सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कोलकाता मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा समस्त जिलों को महिला सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते जिला अस्पताल टीकमगढ़ में निरीक्षण किया गया। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत समस्त संस्थानों में सुरक्षा संबंधी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाएगा। संस्था में जो कमियां होंगी उन्हें दूर कर महिला सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। आज संस्थाओं के अंदर सुरक्षा संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस गाइडलाइन के तहत आज एसपी साहब, हम और हमारे डीएम, पीआई और सुरक्षा की दृष्टि से मुआयना करने के लिए रात में हमने आकस्मिक निरीक्षण किया और ये सतत चलता रहेगा। ऐसे ही निरीक्षण सभी चिकित्सा संस्थाएं जो है वहाँ पे कमेटियाँ जो बनी है उनके द्वारा किया जाएगा। मुख्य उद्देश्य रहेगा कि चिकित्सकों और जो स्टाफ आता है वहाँ पे उनके सुरक्षा संबंधी उपायों में कहीं कोई कमियाँ हो या कुछ ऐसी दुरुस्ती की आवश्यकता हो तो उसको संज्ञान में लिया जाए और सुरक्षात्मक रूप से चिकित्सालय को सुदृढ़ किया जाए। देखने में आया है कि जन्नी यात्री जो 108 गाड़ियां हैं, उसके बारे में अलग से, उसके बारे में अलग से निरीक्षण और टीम बना के कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि चारों तरफ से पुलिस और हमारे चिकित्सा व्यवस्था के नर्सेज और उनकी सुरक्षा संबंधी उपाय के संबंध में निरीक्षण करना, बाकी चिकित्सा के संबंध में और भी बहुत सारी व्यवस्था है जिसके समक्ष मीटिंग लेकर